हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपको मैथ्स। मैथ्स में आपको क्लास फर्स्ट का चैप्टर नंबर सेकंड की एक्सरसाइज 2.4 करवाएंगे। स्टूडेंट फोकस दीजिए, देखिए दीजिए, राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। स्टूडेंट्स असेंडिंग ऑर्डर क्यों कौन से होते हैं? असेंडिंग ऑर्डर वो होते हैं जो छोटे से बढ़कर बड़ी तरफ जाते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिए, देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 6, 4, 9, 8। इन्हें छोटा नंबर कौन सा है स्टूडेंट? 4। कौन सा है? 4। और फिर उससे बड़ा कौन सा है? 6। ओके, अब इससे बड़ा कौन सा है? 8। ओके, 8 से बड़ा क्या है हमारा? 9। 8 से बड़ा क्या है हमारा स्टूडेंट्स? 9, मतलब छोटे से बड़ी तरफ। ओके, समझे? आ ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिए हुए 11, 13, 10, 19। तो छोटा नंबर कौन सा है स्टूडेंट्स? छोटा नंबर कौन सा है स्टूडेंट? 10। कौन सा है? 10। आगे ध्यान दीजिए, 10 के बाद कौन क्या आएगा? 11। 11 बाद 13। तो 10 से बड़ा क्या है? 11। 11 से बड़ा क्या है? 13। 13 से बड़ा क्या है? 19। ओके स्टूडेंट्स, आगे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 28, 31, 30, 21। छोटा नंबर कौन सा है इसमें से? 21। पहले हम छोटा नंबर लेते हैं, पहले हम क्या कहते हैं? छोटा नंबर। फिर उससे बड़ा नंबर कौन सा है? 28। कौन सा है? 28। 28 के बाद कौन सा नंबर है उससे बड़ा? 30। देखिए 21 से बड़ा कौन सा है? 28। 28 से बड़ा कौन सा है? 30। 30 से बड़ा कौन सा है? 31। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिए हुए 16, 61, 83, 24। छोटा नंबर कौन सा है यहाँ पर? 16। कौन सा है? 16। उससे बड़ा कौन सा है? 24। 24 से बड़ा कौन सा है? 61। 61 से बड़ा कौन सा है? 83। ओके, समझ में आया? आगे ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 91, 21, 11, 81। कौन सा छोटा नंबर है यहाँ पर? 11। कौन सा है? 11 से बड़ा कौन सा है? 21। 21 से बड़ा कौन सा है? 81। 81 से बड़ा कौन सा है? 91। ओके, समझ में आया? असेंडिंग ऑर्डर कौन से होते हैं? छोटे से बड़े की तरफ। ओके, आगे ध्यान दीजिए।